दीपक की रोशनी, फटाकों की आवाज, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार। जी हाँ, आज हम देख रहे हैं कि ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है दिवाली की ही भीड़ है, क्योंकि कुछ ही दिनों पर जो है दिवाली का पर्व है और उससे पहले जो है मार्केट में जो है लोगों की खरीदारी के लिए भीड़ जो है यहाँ दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि हम आज मौजूद है नागपुर शहर के महल स्थित मार्केट में। जी हाँ, महल का मार्केट जो है यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ सारी चीज़ों की जो है खरीदारी लोग करते हैं अपने आने वाले त्यौहार के लिए। और यह जो है हम देख रहे हैं कि कपड़ों के लिए भी खरीदारी होती है, साथ ही साथ कपड़ों के साथ साथ जो है हम घरेलू सजावट की जो चीज़ें होती है वो भी हमें दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ जो है पूजा का सामान हो, ये सभी चीज़ें जो है ये महल पे मिल जाती, महल की मार्केट में मिल जाती है और जिसके लिए खरीदारों की जो है यहाँ भीड़ हमें दिखाई दे रही है। तो जायज़ा लेते हैं कि महल के मार्केट का कि इस बार दिवाली के मौके पर लोगों द्वारा किस तरह से खरीदारी का जो है उत्साह दिखाई दे रहा है, चलिए मेरे साथ। दिवाली का त्योहार लाया खुशियों की बहार। दर्शकों, दिवाली का सीजन हो और घर की सजावट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसा कि हमारी सहयोगी क्षितिजा देशमुख ने आपने महल मार्केट का जो जायजा दिया, दर्शकों आप देख सकते हैं झालर लगे हुए हैं इस महल के मार्केट में। दिवाली का सीजन हो और घर की सजावट ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से झालर लगे हुए हैं, बड़ी सुंदर तरीके से ये जो मार्केट सजा हुआ है, लोगों की भीड़ आप देख पा रहे हैं, जैसे कि सभी बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं, जिस प्रकार से सुरक्षा हेतु बैरिकेड्स लगाए हैं, आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से रास्ते का पूरा मार्केट में तब्दील हो चुका है, रास्ता पूरा मार्केट में तब्दील हो चुका है। महल का ये सुप्रसिद्ध मार्केट नागपुर की पृष्ठभूमि पर जिसका काफी नाम है आप देख पा रहे हैं, विभिन्न स्टाइल्स के यहाँ आकाश कंदील भी आप देख पा रहे हैं। दिवाली का सीजन चल रहा है दर्शकों, जिस प्रकार से तो दर्शकों इस वक्त हम आ चुके हैं सजावट की दुकान पे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दुकानदार, जिनसे हम जायजा लेते हैं दुकान का, इनके किस प्रकार से सजावट की दुकान आपने लगाई है, क्या है बेवरा मार्केट का और कब से दुकान लगाया? हम एक महीने पहले से दुकान लगाते हैं और हमारे पास अलग अलग तरह के तोरण वगैरह सब मिल जाते हैं, लटकन मिल जाते हैं, सब लोग फूल का लगाते हैं लटकन वगैरह। तो अभी ये फैशन चल रहा है, सब डिजाइन विजाइन वाले हम दिल्ली से माल लाते हैं और दुकान यहाँ पे लगाते हैं। और मिनिमम क्या रेट है इसका? मिनिमम 250 से लेके 100 रुपीस से 350 रुपए तक के मिल जाता है। कितने सालों से आप ये दुकान लगा रहे हैं और इस साल भी लगाई है, क्या नया है? नए कम से कम हम, मेरे पापा वगैरह भी दुकान लगाते थे, मम्मी वगैरह बहुत काफी सालों से दुकान लगाते हम। क्या नया माल आया है? नए माल भी आए है, तोरण वगैरह आए है, नए नए एंटीक आए, सफेद झूमर आए, कलर वाले आए है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने जायजा लिया सजावट की दुकान का, ऐसी बहुत सी दुकानें यहाँ पे है, तो अब मिलते हैं बाकी दुकानदारों से, हमारी सहयोगी क्षितिजा देशमुख के साथ, आप देखते रहिए आगे की रिपोर्ट। दीपावली में जो है आकाश कंदील का अपना ही एक अलग महत्व है, दिए चाहे कितने भी लगा लो लेकिन एक आकाश कंदील जो है सभी के घर में लगता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ रंगी बिरंगी आकाश कंदील अलग अलग आकार में दिखाई दे रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि कई तरह के छोटे बड़े ऐसे आकाश कंदील हमें यहाँ दिखाई दे रही है, नए तरीके की आकाश कंदील भी यहाँ है, साथ ही साथ जो है चाइनीज आकाश कंदील भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सी आकाश कंदील को ज्यादा डिमांड है? हमारे साथ कुछ ग्राहक है जिन्होंने आकाश कंदील लिया है, क्या बताओगे? बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ आकाश कंदील दिखाई दे रहे हैं, आपने क्या खरीदी की है आज? हाँ, मैंने भी आकाश कंदील ही खरीदा है और दीपावली है तो आकाश कंदील घर में लगाओ, रोशनी आती है और अपना एक फेस्टिवल है तो अपने को लगता है कि बाबा अपना फेस्टिवल है तो खूब उजाला होना चाहिए घर में। और अभी देखो मार्केट में इतना शोर शराबा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं आज और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को भी कि हम लोग अभी दिवाली की खरीदारी कर रहे हैं और आकाश कंदील वगैरह ले रहे हैं। तो कौन सा आकाश कंदील खरीदा आपने और वो मतलब इंडिया मेड है या चाइनीज? नहीं नहीं, लेंगे तो अपने इंडिया का ही लेंगे। और क्या क्या खरीदी की है? दिवाली है, उसके पहले जो हम देख रहे हैं, लिए दिए लिए हैं, मैंने साड़ी लिए, साड़ी के लिए बहुत गई हूँ, साड़ी हाँ साड़ी साड़ी लिए और बच्चों के लिए छोटे मोटे कुछ चीजें ऐसे नहीं क्या होली है। कैसा है मार्केट इस बार? बहुत ही रश है और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी ये कोरोना के वजह से कैसे लोग इतना खरीदारी करते नहीं थे पर अभी कैसे ज्यादा खरीदारी हो रही है
तो अच्छा लग रहा है मार्केट में आके, एकदम चकमक चकमक लग रहा है। आपने भी जमकर शॉपिंग की है, वो हंसी दिख रही है। तो हमने देखा कि जमकर लोग जो है शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि दो तीन साल बाद जो है अभी मार्केट पूरी तरह से खुल चुका है, लोग भी पूरी तरह से खुल गए हैं, उत्साह होकर जो है घर के बाहर निकल रहे हैं और जो है खरीदारी कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ कपड़ों का भी जायजा लेते हैं, कपड़े की शॉपिंग किस तरह से हो रही है। हम देख रहे हैं कि महल के मार्केट में दीपावली के उपलक्ष्य पर जो है काफी भीड़ है लोगों की खरीदारी करने के लिए। दीपावली कुछ ही दिनों पर है, आप मार्केट में आए हो, बहुत सारी थैलियां जो है हमारे पास आपकी शॉपिंग की दिख रही है हमें। क्या क्या खरीदा है, क्या बताओगे? बहुत सारा खरीदा है, बच्चे के लिए कपड़े है, हस्बैंड के लिए कपड़े है, भाभी के लिए, भैया के लिए, बेटी के लिए, सबके लिए कपड़े खरीदे हैं। और क्या क्या जो मार्केट में हमें दिखाई दे रहा है कि सजावट की जो है, घर सजावट की भी सामान दिखाई दे रहे हैं, कैसा मतलब मार्केट कैसा है इस बार? अच्छा है, पर थोड़ा महंगा लग रहा है इस बार, क्योंकि हर साल आते हैं दीपावली के समय खरीदी करने के लिए, पर इस बार थोड़ा महंगा लग रहा है सजावट का सामान। जैसे आप पहले देखते थे कि 100 में मिलती थी जो चीज, वो अभी 250 में, 150-200 ऐसे मिल रही है, तो पर थोड़ा महंगा लग रहा है। दिवाली है तो खरीदी करना लाजमी है, तो खरीदी की है ना, खरीदारी? हाँ बिल्कुल, खरीदी करना तो लाजमी है, करना ही पड़ेगा। तो हमारे साथ कुछ जो लोग थे जिन्होंने खरीदारी की है, और भी लोग हमें मिलेंगे, हम जो उनसे जानेंगे कि इस साल उन्होंने किस तरह से खरीदी की है। आप देख पा रहे हो कि रंगोली जो है दिवाली में होती है, दिवाली का खास तौर पर रंगोली का महत्व होता है। आप देख रहे हो कि रंग बिरंगी रंगोली से जो है मार्केट में रंग दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, और वही रंग खरीदने के लिए यहाँ जो है ग्राहकों की भीड़ भी है, क्योंकि रंगोली ये दिवाली में बनाई ही जाती है। उतना पिकअप नहीं है और उतना खास गिरायकी नहीं है इस साल दिवाली, कोई अच्छी नहीं है। जैसा व्यापार होना था, हाँ, भाव 10-20 रुपये किलो से बेचते 40 रुपये। हाँ, महंगाई के मार के वजह से बिजनेस उतना खास नहीं चल रहा है। देखा कि शहर से ही नहीं, शहर के बाहर से, दूर दराज से जो है महल के मार्केट में लोग जो है यहाँ खरीदारी करने आते हैं। हमने देखा कि कई महंगाई की मार भी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग जो है दिवाली की खरीदारी जो है जमकर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ दिए जो है दिवाली में लगाए जाते हैं, पूरे 5 दिन दियो से जो है घर जगमगा उठता है। क्या बताओगे इस बार के दिए, जो दिए दिख रहे हैं, कैसी डिमांड है दियो को, और क्या बताओगे? लोग 20 रुपए दर्जन बोलते हैं, 40 रुपए बोलते हैं, उसमें भी मोल भाव करते हैं। और कितना कम बेचेंगे दीदी, हम लोग बोझे उसे उठा के लाते हैं, बेचते हैं, उसमें भी दुकानदार वाले हमको चिल्लाते रोड पे बैठते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे गरीब इंसान। ये मिट्टी के दिए है? हाँ, ये मिट्टी के दिए है ये। अच्छा, और मिट्टी के दिए को डिमांड ज्यादा है, ग्राहकों की पसंद ही कौन से दिए को है? मिट्टी के दिए को पसंद है ज्यादा से, गरीब से गरीब रहेगा, लखपति भी बड़े श्रीमंत भी रहेगा, मिट्टी के दिए ज्यादा है, 5 दर्जन 10 दर्जन दे सकते। बिल्कुल, तो जो है दिवाली का पर्व जो है कुछ ही दिनों पर है, उसके लिए जो है बाजार सज चुके हैं, और जो है त्योहार की जो है रौनक दिखाई दे रही है, साथ ही साथ मिठाई का जो है रंग जो है या मिठाई का स्वाद जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। हम देख रहे हैं कि आप देख पा रहे हो, यहाँ मिठाई के साथ साथ नमकीन भी जो है यहाँ बनकर रेडी है दिवाली के लिए। आप देख पा रहे हो कि नमकीन के कई तरह के नमकीन यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमें, इसके साथ ही साथ जो है मिठाई में आप देख रहे हैं मिठाई भी बहुत तरीके की यहाँ मिठाई बनाई गई है। और हम जानते हैं कि क्या बताओगे इस दिवाली में मिठाई और इसमें कैसा प्रतिसाद है लोगों का? मजा नहीं है, भीड़ भाड़ जरूर है, मगर उतना मजा नहीं है जितना होना चाहिए। सब पेट्रोल और मोबाइल में सबको पैसा खर्चा हो रहा है, इसकी वजह से लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जहाँ 1 किलो खा रहा है लेके, मीठा लेके जाना है, वहाँ 1 पाव में आ गए हैं, बस फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं और खत्म कर रहे हैं सब त्योहार खत्म। धीरे धीरे आपके यहाँ जो है काफी नमकीन के प्रकार हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन से नमकीन है यहाँ? हर प्रकार का नमकीन मिलता है, 15 किस्म के फरसान है, और स्वादिष्ट रहता है वो, फल्ली तेल का बना हुआ, 3 महीने खराब नहीं होता, दुकान भी 56 साल पुरानी है, और काफी विश्वास है ग्राहकों का हमारे ऊपर। मिठाई जो है, मिठाई की भी बहुत मांग होती है, तो मिठाई के बारे में क्या बताएंगे? बहुत सारी मिठाइयाँ भी हमें दिखाई दे रही है, नहीं बहुत सारी वैरायटी बढ़ जाती है दिवाली के समय, हाँ, ग्राहकों को तकलीफ ना हो, उनको बनाना ना पड़े, उनका किचन का मेकअप खराब ना हो किचन में जाकर। तो
अभी हम देखते हैं कि लोगों द्वारा जो है ऑर्डर दिए जाते हैं, तो कुछ ऐसे ऑर्डर आपको आए होंगे, क्या बताओ? जो काफी साल से आ रहे जो पुराने ग्राहक है कस्टमर, पहले से 15 दिन पहले लिस्ट दे के जाते, चाकोली, अनरसे, गुजिया, स्पेशल आइटम, दीपावली के साथ मिठाई की भी ऑर्डर होंगे, मिठाई गिफ्ट में दिए जाते हैं, मुंह मीठा किया जाता है दीपावली के पर्व पे, क्या बताओ? ठीक है, मिठाई अपनी देसी मिठाई रहती है और बहुत अच्छी रहती है, अलग अलग किस्म की, सभी को मालूम है कि साल में एक ही बार बनती है मिठाई, गुजिया हो गया, अनरसे हो गया, सभी को मालूम है कि साल में एक ही बार बनती है, तो ताजी रहना है, पिछले साल की तो रहेंगी नहीं। तो हमने जिस तरह से देखा कि दीपावली के लिए जो है बाजार की रौनक बढ़ रही है, उसी के साथ जो है मिठाई की स्वाद जो है सर चढ़कर बोल रहा है। इसके साथ ही जो है मिठाई हो, दिए हो, लाइट हो, रंगोली हो, इसके साथ ही कपड़े जो है, कपड़ों की भी जमकर खरीदारी इस दौरान होती है। तो चलिए हम देखते हैं, जाते हैं कपड़ों की दुकानों में और जानते हैं कि वहाँ की कैसे हलचल है, चलिए मेरे साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारी सहयोगी क्षितिजा देशमुख ने आपने को पूरा मार्केट घुमाया है, और बात हो दिवाली की और कपड़ों की बात ना हो तो ये तो कहीं बात हजम ही नहीं होती है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से कपड़ों के दुकान लगे हुए हैं, व्यक्ति साल में एक बार तो भी दिवाली में कपड़े जरूर खरीदता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नए कपड़े पहनने के सपने सभी देखते हैं। और दिवाली में जब जिस प्रकार से हम जिस खुशी के साथ दिवाली मनाते हैं, त्योहारों का राजा दिवाली को कहा जाता है, दीपों की जगमगाहट के साथ ही खुद को सुंदर दिखाना होता है, खुद को फैशनेबल दिखाना होता है, उसी तरह से जो दुकान है यह सजी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस कपड़े की दुकान के दुकानदार, जिनसे हम बात करेंगे किस प्रकार से खरीदारी हो रही है, किस प्रकार से दुकान लगे है, क्या बोलना चाहिए? इस बार धंधा कोई भी कुछ भी नहीं है, भीड़ बहुत है, ट्रैफिक बहुत है रस्ते पे, पर धंधा कुछ इतना ही नहीं है, ठंडा है बहुत। और क्या नया ब्रांड लाए हैं, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं धंधा मंदा चल रहा है, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने क्या नया प्रोडक्ट और क्या एफर्ट्स लाने की कोशिश की है कि दिवाली में आप आपके ग्राहकों को अच्छा प्रोडक्ट दे पाए? ये ठंडी के लिए सेटर है, जीन्स पैंट लाए हैं, टॉप लाया है, पूरे सब वेरायटी है, पर धंधा इतना खास नहीं है इस बार। दर्शकों, ठंड के मौसम में दिवाली आती है और इसी के साथ जो है यहाँ स्वेटर भी दिखाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद है, हमारे साथ ग्राहक मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। क्या खरीदने आई थी आप? कपड़े खरीदने आए थे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, दुकान कपड़ों की दुकान पे खड़े रहकर कपड़े ही खरीदे जाते हैं, लेकिन उनके मुंह से सुनना काफी अच्छा लगा। और इस वक्त हमारे साथ कपड़े के खरीदार भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, क्या खरीदने आई है आप? फिलहाल तो मैं दिवाली के लिए कुछ शॉपिंग करने आई थी, जैसे कुर्ता वगैरह और कुछ जीन्स वगैरह के कलेक्शंस भी देख रही थी। अभी फिलहाल इनके पास तो कलेक्शंस अच्छे हैं, तो वही बस सोच रही हूँ अभी कि लेना है। अभी तक क्या क्या खरीद चुकी है? अभी मैंने अभी कुर्ते का सेट लेकर आई हूँ उधर से, और अभी जीन्स का देख रही थी, तो अभी देखती हूँ कौन सा पसंद आता है। बस हर साल दिवाली में जो है कितने की शॉपिंग कर लेती है? ज्यादा नहीं, अभी नई नई नौकरी करनी शुरू की है तो इस बार थोड़ा बजट ज्यादा रखा है, लेकिन हर बार तो 2000-3000 तक सिर्फ अपने तो मैं ले ही लेती थी। दर्शकों, दिवाली और लक्ष्मी का काफी बड़ा महत्व है, जैसे कि ग्राहकों के साथ साथ खरीदारों ने भी बताया कि अभी कमाने लगी हूँ, इसलिए इस बार अच्छी तरह से मैं शॉपिंग करने वाली हूँ। साथ ही साथ यही कामना करते कि सभी के जेब में जो है लक्ष्मी घनघनाती हुई आए और सभी की दिवाली अच्छी रहे। दर्शकों, आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कपड़ों का मार्केट यहाँ सजा हुआ है, कपड़ों के साथ साथ सजावट है, काफी बड़ी चीजें यहाँ दिखाई दे रही है, जो है कपड़े का मार्केट पूरी तरह से सज चुका है। कपड़े रंग बिरंगी कपड़े यहाँ पे, हर रंग के कपड़े, हर प्रकार के कपड़े आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ और कुछ खरीदार मौजूद है, क्या लिया है सर आपने? बच्चों के लिए कपड़े लिए यहाँ से, बढ़िया कपड़े हैं और काफी किताबीदार है और महंगे नहीं है। और क्या अपेक्षा थी आपकी, अपेक्षाएं पूरी हुई कपड़ों के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी अपेक्षा पूरी हो गई। और मार्केट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, किस प्रकार की? मार्केट पूरा फुल है, जगह नहीं है बिल्कुल, वो खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं। क्या क्या खरीदा है आपने अभी? टी-शर्ट्स, जीन्स, शर्ट्स वगैरह। और किस प्रकार से मार्केट है, क्या रेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, सेटिस्फाइड है? जी अच्छा है, बाकी सब रेट वगैरह तो ठीक ठाक ही है। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने कपड़ों का जायजा लिया है और जिस प्रकार से ये महार मार्केट में काफी नई चीजें दिवाली के अवसर पर है, तो आइए देखते हैं आगे क्या है। मेरे सहयोगी मनीष टेमरे ने आपको कपड़ों की दुकान से रूबरू करवाया है, किस तरह से शॉपिंग वहाँ हो रही है। अब देखते हैं हम चूड़िया,
कपड़े आते हैं तो लेडीज़ के लिए चूड़ियाँ ये भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण होता है। और हम देख पा रहे हैं कि रंग बिरंग कलर की चूड़ियाँ यहाँ दिखाई दे रही है और उसी के साथ जो है चूड़ियाँ खरीदने के लिए हमें यहाँ कुछ ग्राहक दिखाई दे रहे हैं। उनसे भी जानते हैं कि क्या बताओगे, आपने खरीदारी की है, आप चूड़ियाँ खरीद रहे हो, क्या बताओगे? है अभी तो फिलहाल दिवाली का मौसम है तो उसमें तो दिवाली में चूड़ी तो पहले लेना ही चाहिए ना, खरीदी उससे बगैर होती नहीं है। खरीदी जो है चूड़ियों के बगैर पूरी होती नहीं है, ये बिल्कुल बात सही है। हम देख रहे हैं कि चूड़ियों के साथ यहाँ कंगन भी है, कई तरह के कंगन हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ जो है मेटल के कंगन है, कांच के कंगन है, कांच की चूड़ियाँ है, उसी के साथ मेटल की भी चूड़ियाँ हमें रंग बिरंग कलर की दिखाई दे रहे हैं। आपने क्या खरीदा है बेटा? चूड़ियाँ खरीदी है मैंने। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। तो हम देख पा रहे हैं मैचिंग कपड़ों पर जो है मैचिंग चूड़ियाँ यहाँ खरीदी जा रही है। आप देख पा रहे हो कि कई वैरायटी की चूड़ियाँ हमें यहाँ दिखाई दे रही है। हम जानते हैं जिनका ये स्टॉल है उनसे, भैया क्या बताओगे कौन सी चूड़ियों का इस बार ट्रेंड है, कौन सी चूड़ियों की मांग ज़्यादा है, क्या बताओ? इस बार ये वेलवेट की चूड़ियों की मांग है, मेटल की चूड़ियों की मांग है, ऐसा ट्रेंड चल रहा है अभी वेलवेट की चूड़ियों का। इसका मैचिंग की जो सेट है सब बना के मिलते हैं इसमें चूड़ियाँ मेटल की। दिवाली का सीजन है तो कपड़ों पे मैचिंग चूड़ियाँ जो है यहाँ से मतलब सेट बनवाते होंगे, तो उस प्रकार का भी यहाँ सब सामग्री? हाँ, सेट बनाने के लिए सब मिल जाएगा, मेटल में, कांच में, लाख में, सारी चीज़ें, वेस्टर्न में, इंडो वेस्टर्न में सभी। महंगाई की मार कुछ पड़ रही है चूड़ियों के शॉपिंग पे? नहीं पड़ रही, नहीं ऐसा कुछ। हमने देखा कि जो चूड़ियाँ है, चूड़ियों की शॉपिंग जो पूरी शॉपिंग होती है दिवाली की, चूड़ियों की शॉपिंग के बिना अधूरी होती है। और हमने देखा कि काफ़ी अच्छे अच्छे चूड़ियाँ जो है, हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जो वेलवेट की चूड़ियों का ट्रेंड जो है ये बहुत चल रहा है, ये भी बताया है। तो चलिए अब पूजा पाठ की सामग्री के बारे में रूबरू करवाएंगे हमारे सहयोगी जो है मनीष टेमरे। चलिए, नमोस्तुते महामाये श्री पीठेश्वर पूंजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। दर्शकों, दिवाली का त्यौहार है, महालक्ष्मी पूजन का त्यौहार, और दिवाली का दिन हो और पूजा पाठ का विषय ना हो ये तो बात ही नहीं। दर्शकों जी, इस वक्त हम मौजूद है पूजा पाठ की दुकान में, जहाँ की महालक्ष्मी माँ की मूर्ति के साथ ही काले सिंगारों का जो प्रावधान है पूजन के समय, महालक्ष्मी पूजन के समय, उनकी भी दुकान लगी हुई है। रंग बिरंगे तरीके से यहाँ दिए भी दिख रहे हैं, जिस प्रकार से ये जो है लाई है, बत्ताशा है, सभी प्रकार के जो पूजा में सामग्री यूज़ होती है, पूजा में जो सामग्री उपयोग की जाती है वो सब चीज़ें यहाँ है। नरियल श्रीफल भी यहाँ मौजूद है। तो देखते हैं, जायजा लेते हैं इस दुकान का, इस पूजा विधि के सामान के दुकान का। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। किस प्रकार से है मार्केट की स्थिति और कितने दिनों से आप दुकान लगा रहे हैं? दुकान तो अभी बहुत दिनों से लग रहे हैं, कोजागिरी के पहले से लगा रहे हैं, पर जैसी मार्केट में लोग दिख रहे हैं पर वैसी गिराक पानी कुछ कम दिख रहे हैं, सब महंगाई की वजह से गिराक पानी खींचकर लेने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या क्या नया कुछ सामान में ऐड हुआ इस बार? हाँ, कुछ नए तरीके के दिए आए हैं सब कुछ, और ये अब अलग तरह के दिख रहे हैं, शंख की तरह वो नया दिया दिख रहा है अभी इस साल में। दिवाली के सीजन में पूजा पाठ का क्या महत्व आप बोलना चाहोगे? आपने सामान लगाए हैं और इस प्रकार से जो दिए वगैरह है, आजकल चाइना के भी दिए यूज कर रहे हैं लोग, चाइना का सामान यूज कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? चाइना का सामान मेड इन इंडिया, इंडिया में सब कुछ बनता है, पर लोगों को बाहर की देसी की चीज़ ज़्यादा पसंद है, इसलिए दादा जो लोगों को अट्रैक्टिव लगता है वो लोग लेते हैं, इसलिए इंडिया की चीज़ों को इग्नोर करते हैं। पर मेरा कहना है कि देश के लोगों ने इंडिया की चीज़ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का प्रॉफिट होना चाहिए, अपना देश अपना अपनी चीज़ यूज़ करना चाहिए। दर्शकों, कहीं ना कहीं दिवाली के इस अवसर पर इन दुकानदारों ने आत्मनिर्भर भारत का ये जो है संदेश दिया है, साथ ही साथ मेक इन इंडिया, जो इंडिया से बनी हुई चीज़ें हैं इनका उपयोग करने का भी संदेश यहाँ दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हमें भी समझना चाहिए, क्योंकि स्वदेश में बनी चीज़ ही हमारे हित की है, चाइना से बनी चीज़ों का कहीं ना कहीं बायकॉट करने की आवश्यकता इस वक्त है।
दर्शकों, महालक्ष्मी पूजन में पूजा विधि के साथ ही झाड़ू का भी काफी महत्व है। इस वक्त हम झाड़ू के दुकान में मौजूद है, ग्राहक भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने की ये छोटा सा झाड़ू लिया है पूजा पाठ के लिए। क्या महत्व है झाड़ू का पूजा के समय? सर, ये झाड़ू अपन लक्ष्मी पूजन के लिए यूज करते हैं और लक्ष्मी पूजन के लिए महत्वपूर्ण, इसके सिवा लक्ष्मी पूजन हो नहीं सकता, अधूरा है। अधूरा लक्ष्मी पूजन झाड़ू के सिवा है, ऐसा आप बोल रही है। तो आपने कितने झाड़ू खरीदे? मैंने दो अभी खरीद रहे शॉपिंग के लिए आए। तो हर साल जैसा कि देख पा रहे हैं आजकल प्लास्टिक के झाड़ू यूज करते हैं, लेकिन पूजा में भी इन सिंधी के झाड़ू का उपयोग होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, घर में भी इसका यूज करती है या ओनली पूजा पाठ की सामग्री के रूप? ये हमारी आधुनिक परंपरा है, इसके अभी ये जो लेटेस्ट वाले आए वो तो अपने लेटेस्ट है, पर ये आधुनिक परंपरा है, इससे अपनी लक्ष्मी पूजा होती ही नहीं है। दर्शकों, जिस प्रकार से जुनते सोनो जैसे मराठी में कहीं ना कहीं कहावत है, उसी प्रकार से जो हमारी पुरातन संस्कृति है उस पुरातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए महालक्ष्मी पूजन में झाड़ू का काफी महत्व है। और पुराणों की मान्यता है कि महालक्ष्मी का वास जो है वो झाड़ू में होता है। उस प्रकार से हमने जो जायजा लिया दुकानों का, जहाँ की झाड़ू लगे हुए देख पा रहे हैं आप, हर साइज के झाड़ू है, हर प्रकार के झाड़ू है, छोटे से लेकर माध्यम और माध्यम से लेकर जो है बड़े भी झाड़ू यहाँ दिखाए गए हैं, सीन से बने हुए झाड़ू। जिस प्रकार से झाड़ू खरीद रहे हैं ग्राहक भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। दर्शकों, इस वक्त हम झाड़ू के जो है दुकान में मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ आंटी मौजूद है जिनसे हम इस झाड़ू के महत्व के बारे में जानेंगे। आंटी, किस प्रकार का महत्व है झाड़ू का और किस प्रकार से बनाती है? सिंधी की झाड़ू बनती है, उससे हम लाते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद में हम झाड़ू बनाते हैं। किस प्रकार के झाड़ू की मांग है आजकल? आजकल 70 रुपए 80 रुपए जोड़ी की, 70 रुपए 80 रुपए जो है झाड़ू बिक रही है। लेकिन सवाल यह है कि किस प्रकार के झाड़ू की जो है यूज होती है, जो सिंधी का झाड़ रहता है उसको तोड़ के ला के सुखा के बनाना पड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ मेहनत लगती है। काफी मेहनत से बनाए हुए झाड़ू आप यहाँ देख पा रहे हैं, सिंधी के झाड़ू, जो कि काफी बड़ा महत्व है महालक्ष्मी पूजन में। दर्शकों, जिस प्रकार से महालक्ष्मी पूजन में काफी बड़ा महत्व है झाड़ू का, ये जो छोटा झाड़ू आप देख पा रहे हैं, इसकी बनावट आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, इसको बनने में काफी बड़ी मेहनत लगी हुई है। जिस प्रकार से हमने दुकानदार से बात की, ये बड़ा झाड़ू है 70-80 रुपए का, ये जो झाड़ू है हर बार हम जो है दिवाली के सीजन में काफी इनका जो है रेट करते हैं, मोल भाव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना चाहिए कि इसको बनाने में काफी जो है मेहनत रहती है दुकानदारों की, और जो है मेहनत व्यापारियों की जो काफी मेहनत रहती है दुकान। जिस प्रकार से आप झाड़ू देख पा रहे हैं, बड़े ही सुंदर और रंग बिरंगीन झाड़ू का जायजा इस वक्त हमने लिया। मेरा नाम आरती है, यहाँ मेल में हम लोग शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग में हर एक ड्रेस जो भी लेना है वगैरह वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। मैं तो अभी स्टार्टिंग हुआ है हमारा शॉपिंग का, बस एंट्री की है हम लोग ने। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब लेने पैसे भी अच्छे लगेंगे यहाँ पे लेने के लिए। हाँ हाँ हाँ, मेरा नाम डॉली गुरु पंच है और मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, अभी हम जस्ट आए हैं, अभी शॉपिंग यहाँ पे करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। दिवाली का त्यौहार जो है खुशियाँ लेकर आता है, साथ ही साथ दिवाली का त्यौहार जो है अंधकार पे जो है दीयों की रोशनी से ये मात करता है और अंधकार को दूर करता है। तो इसके साथ ही साथ खुशियों को, त्यौहार को जो है खुशियाँ बरकरार रखने के लिए थोड़ी सी सावधानी भी बरतना ज़रूरी है, क्योंकि हम दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते, इससे किसी भी तरह की हानि ना हो, ये ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के साथ ये दिवाली मनाइए। तो BCN की टीम ने जो है महल मार्केट का दिवाली के उपलक्ष पर जो है पूरा जायजा लिया है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि सभी ने जो है मार्केट में काफी धूम मची हुई है, सभी और जो है ग्राहक बड़ी मात्रा में आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली दिवाली का जो है संदेश यहाँ दिया गया है। जो है अमावस्या के दिन मनने वाली दिवाली और कहीं ना कहीं दीपों का ये त्यौहार, आइए कुछ खास करते इस दिवाली, शिकवों को भुलाकर साथ आ जाते हैं, और कुछ ऐसा ही संदेश सभी ने दिया है। इनविशन परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, और इसी के साथ सुरक्षित रहकर ये दिवाली का पर्व जो है मनाते हैं। आप सभी को BCN की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, मैं मनीष टेमरे, इनबीसीएन न्यूज के लिए नागपुर।